राष्ट्रीय किसान नेता शिव कुमार कक्का जी ने बयान जारी कर किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होने की बात कही है। उन्होंने किसानों के तीन काले कानून खत्म पर चर्चा की, वहीं किसानों की बढ़ती समस्याएं और एमएसपी पर मुआवजे को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए। इन पर ध्यान न दिया गया तो 15 जनवरी तक का समय देते हुए ये भी बोले कि यूपी से किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होगा। बताया जा रहा है कि आंदोलन का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया है। हमारा राजनीति से आंदोलन का लेना है नहीं, हमारा तो केवल प्रेशर क्रिएट करना है। सत्याग्रह है ये, सत्याग्रह में जो भी तरीके होते हैं वो तरीके किए जाते हैं। हमको लगता था कि यूपी मिशन हमको चलाना पड़ेगा अगर सरकार नहीं मानती है तो, और हमने उस दिशा में आगे भी बढ़े। मैं स्वयं लखनऊ गया, मैंने पीसी ली और यूपी का हमने ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। ब्लूप्रिंट में मेरे दिमाग में था कि मुझे बुंदेलखंड के क्षेत्र में ड्यूटी देंगे ये लोग, अलग अलग हिस्सों में ड्यूटी मिल रही है सबको, वो जाएंगे और सरकार को वहाँ सबक सिखाएंगे। पर उसके पहले सरकार ने तीन काले कानून जो हमारी प्रायोरिटी पे थी हुआ। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून पंजाब को छोड़कर बाकी देश के राज्यों को एमएसपी पर गारंटी के कानून की चिंता थी।